पढ़ते हैं ब्लॉक कोट्स के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो राइटर हैं उनके स्टेटमेंट होते हैं कुछ, है ना, फिर बाद में उनका नाम आता है, ये लाइन इसने लिखी है ना, वो कैसे लिखेंगे अपनी वेबसाइट पर लिख सको, है जैसे आप अपनी वेबसाइट को डेली अपडेट कर दो, थॉट ऑफ द डे करके कैसे है, रोज की रोज अपडेट करते रहो, 3 दिन बाद 4 दिन बाद जैसे भी करना चाहे। तो हाँ, इसके लिए क्या करोगे तुम, ब्लॉक कोट, ठीक है। ब्लॉक कोट के अंदर भी आपकी दो चीजें होंगी, एक तो पैराग्राफ और किसने लिखा पैरा, समझ रहे, उसमें दे दो आप, इसको बोलते हैं फुटर। कौन सा टैग यूज करेंगे, फुटर का। अब देखो जैसे हमारा एक सेंटेंस है, मैंने लिख दिया डोंट प्ले विद मोबाइल प्रोग्राम इट, ये लिख दिया, किसने कही ये बात, ये वो एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, मैंने लिख दी प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जिसने प्रेजेंट करी उसका नाम देंगे सिटी में, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया अक्षय कुमार ने कही बात, ठीक है जी। अब ये जो क्लास थी इसको क्लास दे दो, क्लास का नाम देगा ब्लॉक कोट ही, क्या नाम देंगे, ब्लॉक कोट। और ये क्या है हमारा फुटर, इसको क्लास क्या देंगे, ब्लॉक फुटर। अब देखो इसका क्या इफेक्ट दिखेगा, इस तरह से आएगी, समझ रहे, प्रेजेंटेड बाय, जो नाम आया वो उसमें आ गया इटैलिक, समझ रहे, दिखाई दे रहा है, इस तरह से। थोड़ा गैप मेंटेन करना है इसमें, तो यहां से दे दो, है ना। तो इस तरह से आप कोट्स भी बना सकते हो। अगर आप ये जो है लिखा रहा है इसको इधर लिखना चाह रहे हैं यहां पर, तो क्या करेंगे, इसको इधर लिखना चाह रहे हैं यहां, तो क्या करें, बस राइट कर दो, ये जो कोट है इसी पे क्लास दे देंगे, क्या, टेक्स्ट राइट की, कौन सी टेक्स्ट, ये आपका राइट साइड में आ जाएगा सारा का सारा, ये भी राइट में आ गया, समझ रहे। इस तरह से आप अपना ये बना सकते हैं, इसे बोलते हैं कोट्स, क्लियर है। अभी और देखो इसमें, एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें, जैसे आपने हेडिंग डाला H1, कुछ भी हेडिंग डाल दो, जैसे मैंने लिख दिया गेट नेट एकेडमी, ठीक है, इसमें क्लास दे दो डिस्प्ले, डिस्प्ले हमारे 4 हैं, टोटल कितने हैं, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3, जैसे मैंने इसे दे दिया डिस्प्ले 1, 4 दे दो या 1 दे दो, है ना। ऐसे ही ये जो क्लास है हेडिंग है इसको भी क्या दे दो, क्लास डिस्प्ले 2, तो आपको कई जगह ऐसे भी मिलेगा कि डिस्प्ले कितने हैं, तो 4 ही हैं हमारे डिस्प्ले। इसमें बस क्या होगा, आपका जो डिस्प्ले 1 है उसमें फॉन्ट ज़्यादा बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा, इससे इनमें सबसे छोटे होते चले जाएंगे एक दूसरे के, डिस्प्ले 4, ठीक है, देखो, समझ रहे, इसे 100 करते हैं, 75 होगा, ये इसका एक्चुअल साइज है, डिस्प्ले 1 में सबसे बड़ा है, ठीक है। क्या डिस्प्ले 5 भी है, बोलो, ये सिंपल जो H1 का टैग होगा उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले हमारे 4 ही है, डिस्प्ले 4, ठीक है, ये H1 H2 H3 से भी बड़े हैं, समझ रहे। अब हमारे हेडिंग टैग कितने हैं, टोटल
सिक्स हैं, तो हमारी क्लास भी बनाई गई हैं छः। जैसे एक क्लास ले लिया, फिर मैंने एक हेडिंग डाला गेट नेट एकेडमी, ठीक है, टोटल कितनी है छः। अब इनको क्लास क्या दोगे, आपको साइज कितना देना है, जितना एक हेडिंग H1 का होता है, इस पर अगर आपको उतना साइज देना है तो आपको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल H1, समझ रहे हैं? इसको कितना साइज आ जाएगा इसका, जितना हमारे H1 H2 टैग वो लेते हैं इस पे, ठीक है। ये दोनों आ गए, अभी इन पर अप्लाई नहीं करी तो सिंपल आ रहे हैं, ठीक है, इन पर भी अप्लाई कर दो। जितने हेडिंग उतने ही बना रखी, H3 क्लास, H4 क्लास, H5 छह हैं टोटल, क्लास H6 जितना हेडिंग टैग उतनी है, ठीक है जी। ये आ गया हमारे, ये साइज रहेगा इनका, डिस्प्ले का 1 का सबसे ज्यादा होगा, और टोटल 4 डिस्प्ले हैं, ठीक है। फॉन्ट में भी डिफरेंस है, देखो इनके, ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, ठीक है, बोल्ड है थोड़ी सी, है ना। कुछ और देखते हैं प्रॉपर्टी, जैसे मैं ना हटा देता हूँ, हम क्या करते हैं अब इमेज लेते हैं, IMG कोई भी एक इमेज ले लो, सपोज इमेज फोल्डर के अंदर ये ले लेते हैं ABC, ठीक है जी, इमेज ले ली, इसको विड्थ दे दो अपने हिसाब से जितने लेना चाहो, 200 पिक्सल या 200 लिख दो खाली, हाइट दे दो 200, ये दे दी हमारी एक इमेज, ये आ गई, ठीक है। अब इस पर CSS अप्लाई करो, जैसे आप क्या देते थे इसको चारों तरफ से राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस, तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक क्लास बना रखी है, क्लास का नाम क्या दे दो, राउंड, ये तो बॉर्डर रेडियस लिख दो, ये क्या लिख दो, राउंड, ठीक है। ये हमारी क्लास है राउंडेड, सॉरी कॉर्नर दिखाई दे रहे, राउंड हो रहे, ये देखो शेप आ रही इस साइड, और ज्यादा करना तो राउंड क्या कर देंगे यहीं पर ही, जैसे जैसे कॉपी कर लेता हूं मैं, इसके आगे लिख दो क्या, सर्कल, क्या हो जाएगी, परफेक्ट सर्कल बन गया, ठीक है। अब अगर तुम टॉप टॉप से चाह रहे कि राउंड हो, ऊपर ऊपर है, एक और ले ली, इसे क्या कर दो, राउंड टॉप कर देंगे, ये देखो ऊपर से है नीचे से तो नहीं, ये राउंड, ऐसे ही लेफ्ट से राइट से, ठीक है। अच्छा एक और होती है इसमें, देखो जैसे राउंड मैंने कर दिया 0, इससे क्या होगा, ये आ गई बिल्कुल सिंपल। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं 10, फैक्ट पड़ेगा मुझे, नहीं, इसमें अगर आपको इसमें राउंड 0 का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें इसके बिल्कुल भी राउंड नहीं करनी, बस 0 ही चलेगा इसमें, इसमें इन चलने, समझ रहे, तो इस तरह से आप दे सकते हो उसमें, ये राउंड की भी लेफ्ट राइट बॉटम कुछ भी कर लो, समझ रहे।